Good morning, mate. Good morning. Good morning, guys. जैसा कि आपने इसकी हालत देखी, ये रात कितने बजे सोया था भाई? 3 बजे? नहीं, 4? 3 बजे सोया। 3 बजे? 3 बजे सोया था। ये हमारा रूम है, यहाँ पे हम सोए थे नीचे, मैं और ये। अभी धूप नहीं आई थी पर आ गई है धूप। 9:40 AM हो चुके हैं सुबह के। भाई यहाँ का भाई वॉशरूम जो था वो यहाँ पे था, तो भाई कोई गया नहीं। यहाँ पे बर्फ़ थी, यहाँ से बर्फ़ से होके जाना था, तो अभी तीन फीट की बर्फ़ हो गई है, तो वही पैर वैर धंस रहे थे। बाकी धूप आ चुकी है, बाकी अब आधे एक घंटे में निकलना है हमें। और खाने में हमें क्या दिया था? देख रहे हो? एक राजमा चावल और मैगी खाई थी हमने। यहाँ पे यही दो ही आइटम थे खाने के लिए, और बाकी अभी चाय पियेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट। चाय के बाद चलते हैं फिर। ये हमारे भारत माता का झंडा लहराता हुआ ऊपर। कल पता नहीं, कल कम बर्फ थी, आज ज़्यादा हो गई सुबह उठे तो। मे भी या तो पता नहीं स्नोफॉल हुई या नहीं हुई, पर हाइट जो है स्नो बर्फ की वो ऊपर पैर की, पर हाइट बढ़ चुकी है क्योंकि पैर के ऊपर आ रही है। कल मतलब इतनी नहीं थी बर्फ। ये हमारा डॉगी, ये भी हमारे साथ आया था नीचे से ट्रैवल करते हुए, सो रहा है। हाय किरल ब्रो। हाय ब्रो। अरे भाई, अरे वाह ब्रो, लाइटर अच्छी नहीं यार, नहीं अच्छी। ये भाई कॉमन रूम है, अभी सो ही रहे हैं सारे। यस ब्रो, हिमांशु। यहाँ पे फोटोज लगा रखे हैं और वॉलपेपर्स लगा रखे हैं, और ये बेल्स की आवाज़ आ रही होगी आपको, और ठंडी हवाएं चल रही हैं काफ़ी। हमारा प्लान था 7 बजे सुबह उठ जाएंगे, जल्दी से फ्रेश होके निकल जाएंगे 8 बजे तक, पर अब 11 बज चुके हैं, हम लेट हो चुके हैं। हम लेट हो गए हैं, हमें दिल्ली पहुँचना था। दिल्ली नहीं पहुँचे हम हमेशा लेट रहे। वो केरल ब्रो हमारे वहां पहुंच गए। केरल ब्रो वो अलग ही रहता है, केरल भाई हमारा कल भी अलग था, अलग पड़ा रहता है वो, उसे होश ही नहीं है उस बंदे को। और अब हमारी मस्ती खत्म हो चुकी है, अब हम IAS की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिम 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 के लिए दे रखा है जिम करने के लिए। भाई मैं तुमसे करता हूँ एक्सपीरियंस शेयर, कल क्या हाल हुआ। मतलब ऊपर चढ़ने का टाइम चढ़ गए थे आराम से कंफर्टेबली, कोई सीन नहीं था। बस नहीं, मेरी मेन थिंग जो थी, 3 जगह ऐसा हुआ था जहाँ पे मतलब फट गई थी, क्योंकि वहाँ है ना गिरने का सीन था कि गिर सकते थे, पर बच गए, ऊपर वाले की दुआ थी, वहाँ बच गए। बस वहाँ पे हुआ था जो भी हुआ था, बाकी तो अपना आराम से चढ़ गए थे, इतना कोई परेशानी नहीं हुई चढ़ने में। ये गाने बजा रहे हैं, अभी सुबह सुबह उठे, अभी चाय बनेगी हमारे लिए। हाय भैया, सामने दो कैफेज और हैं, हम जिसमें रुके हैं वो है मॉन्क हट। हाय भाई, भाई केरल ब्रो अलग ही पहुंच गया, पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं। आ जाना, बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है क्योंकि हवा भी चल रही है साथ ही साथ, ठंड तो है ही और हवा भी चल रही है। भाई यहाँ पे मंकल बॉम्ब, एक और कैफे था ऊपर चढ़ने का, मगर वो 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं, इसलिए हम यहीं पे ही रुक गए थे। मैं नीचे आ गया हूँ सीढ़ी से उतर के, मैंने कहा थोड़ी मैं भी घूम लेता हूँ केरल भाई के साथ, बाहर देख रहे थे कौन कौन से कैसे घर बना रखे हैं उन्होंने कैफे टाइप।
कल पता नहीं है, तो मेरे को आते वक्त ऐसा लगा कि बर्फ़ कम है, या अब ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़्यादा हो गई है, पता नहीं क्या। बाय ब्रो। केरल ब्रो, यू वांट टू से समथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ हिमाचल? एक्चुअली इट्स नॉट ए स्मॉल एक्सपीरियंस, इट मोर देन दैट वन, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। Actually, I didn't see this much snow fully covered. Actually, he was going to a different way, hai na? Yeah, because of these people, I came here, and it was an amazing experience to my life. Actually, we are on top of the Vaichin Valley. Actually, here we have one cafe to hang out, and here the sun will come, and it is. No, it has already. The sun has already arrived, and it is. Absolutely amazing experience. Guys, सबसे ज़्यादा इसका जो फाइनली इंतज़ार था सुबह से वो आ चुकी है। चाय, हमारा चाय के बिना गुजारा नहीं है यहाँ पे, तो फाइनली अभी चाय पी हमने रात को पहुँच के, सुबह का ही चाय। फाइनली 12 बजने वाले हैं, हम अभी तक निकले नहीं हैं। ओए होए भाई, एक भौंक रहे हैं छोटे। लड़ाई गुतने वाली है इन दोनों के पीछे। वो धूप आ गई बहुत तेज, सुबह से ज्यादा हो गई तेज धूप भाई। यहाँ की बच गए, अब हमें जाना है नीचे। हम सोच रहे हैं कि सीधा नीचे लोट मार के सीधा ही पहुंच जाए नीचे। और यार इस कैसे चले नीचे भाई। अबे यहाँ से सीधा गिर के नीचे चलते हैं। ओए 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 ओए, इसके पापा, ये इसकी मम्मी, आज मिलाप हो गया इनका फाइनली। ये जो मैं कैफे दिखा रहा था, ये कैफे अभी बन रहा है, बना नहीं है। ओए ओए, असली मजे तो इनके ही हैं, डॉग्स के। यहाँ पे अपने दिल्ली के तो ठंड से कांप के मर जाएंगे। चलते हैं, आ वापस चलते हैं अपने मॉन्ग हाउस में, कैफे में। भाई यहाँ से ओए हो, नीचे गिरने का सीन है, गिर सकते हैं साइड, इसलिए हमेशा इस साइड चलें जहाँ खाई होती है उससे बच के। भाई यार वो बहन की बच्ची। सर हम तो निकल गए थे, हम तो कल ही निकल गए थे यहाँ से। जो गाइस मैं आपको कैफे बता रहा था, ये उसी का काम चल रहा है, लकड़ियाँ ले जाने यहाँ पे बंदे। इनकी मेहनत देख सकते हैं आप, यहाँ से उठा के वहाँ पे ले जाएंगे इतनी दूर उस कैफे तक, क्योंकि वो आई थिंक नया बन रहा है कैफ़े। और यहाँ पे ना मैंने लास्ट थिंग बताना चाहूँगा, मैं जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये बहुत ही प्यारी जगह है मतलब, और बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पे कोई नशे वशे कोई नहीं करता, सब सोबर रहते हैं, सिर्फ खाना वाना खाते हैं अपना टाइम से, सो जाते हैं सारे। और लास्ट हमने, अब हमारी मैगी आ रही है, पता नहीं इसने क्या ऑर्डर करा है, पूरी और सब्जी खानी थी मेरे को तो, बट इसने मैगी के लिए बोल दिया है। अब मैगी खा के ही जीना पड़ेगा, अभी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, उसने हमारे लिए मैगी बनाई है। गाइस मैं वीडियो ख़त्म करना चाह रहा था, पर अभी बिल के टाइम जब बिल पे कर रहे थे तो मतलब इतनी हंसी आई मेरे को, क्योंकि है ना इन्होंने बोला था डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, तो इन्होंने मैगी भी दी थी हमें, तो हमें लगा कि इसी के साथ इंक्लूड होगी, बट अभी मैगी का मतलब बिल आ गया हमारा 360, पर मैगी 180 रुपीज़ की है। तो मैं यही बताना चाह रहा था, अगर आप मैगी खाना चाहते हो आगे, तो अपनी पर्सनल यहाँ आप बना सकते हो। यहाँ पे किचन जो है, मैंने आपको दिखाया था किचन, आप पर्सनली बना सकते हो यहाँ पे आके। ये भी होश दंग हो गए क्योंकि 180 रुपीज़ की मैगी भाई। चलो बाय गाइस, मैं थोड़ा वो देना चाह रहा था ज्ञान, बाय चांस अगर आप आओ यहाँ पे, आपका अगर आप बिल ज़्यादा नहीं बिठाना चाह रहे तो अपना सामान ला सकते हो खाने का जो भी है, और यहाँ पे आप पर्सनली बना सकते हो। थैंक यू गाइस एंड बाय।
दारू ले दारू दारू ले दारू 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 चाहिए भाई दारू 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 बतरा दारू चाहिए दारू। ओ शिकार शिकार करके लाए जंगली जंगली ओए होए ईश आ जाओ दारू ले आओ दारू एक बोतल कितने भाई दो मार के लाए दो या एक है एक भाई रुकना मार के ले क्या उठा के कुछ उठा के लाए और मारोगे हाँ जिंदा है भाई अरे भाई आप पिला दो माफिया नहीं तो निकाल सच में आराम 8-10 दिन के बाद भैया माफिया।